नमस्कार, पॉलिटिकल ट्रेंड से मैं शिफा नाज। आज की न्यूज हेडलाइंस कुछ इस तरह। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 5 दिवसीय झारखंड दौरा, प्रांतीय समागम में लेंगे हिस्सा। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज 5 दिनों के रांची दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आयोजित संघ समागम में हिस्सा लेने आ रहे आरएसएस के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन मधुकर भागवत इस दौरान 5 दिनों के रांची प्रवास पर रहेंगे। वे रांची के मोरहाबादी में डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने वाले संघ समागम में देश के ताजा हालात पर गंभीर चर्चा में शिरकत करेंगे। दुल्लू महतो को अरेस्ट करने उनके घर पहुंची पुलिस, विधायक फरार। बागमारा से भाजपा के विधायक दुल्लू महतो पर जमीन कब्जा करने के मामले में अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इस वारंट के जारी होने के बाद धनबाद पुलिस बुधवार सुबह विधायक के बागमारा स्थित चिटाही में उनके घर गिरफ्तारी के लिए पहुंची। हालांकि दुल्लू महतो पहले ही फरार हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस ने उनके घर की घेराबंदी की और 4 अन्य लोगों को उनके घर से गिरफ्तार किया है। चेन्नई में CAA के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस की मंजूरी के बिना हजारों की संख्या में मुस्लिम सड़क पर उतरे। नागरिकता पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ चेन्नई में हजारों की संख्या में मुस्लिम सड़क पर उतर आए। पुलिस की मंजूरी नहीं होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने मार्च किया। प्रदर्शन में कम से कम 15,000 लोग शामिल होने की बात कही जा रही है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय और जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर कूच किया। रिम्स में महिला डॉक्टर से छेड़खानी, आरोपी इंजीनियरिंग छात्र गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची स्थित रिम्स में चर्म रोग विभाग की एक महिला डॉक्टर से छेड़खानी का मामला सामने आया है। यह घटना मंगलवार को तब हुई जब डॉक्टर हॉस्टल से चर्म रोग विभाग जा रही थी। शोर मचाने पर साथी डॉक्टर मौके पर पहुंचे और बदमाशों को पीटा। बाद में पुलिस भी पहुंची और आरोपी अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वह इंजीनियरिंग का छात्र है। महिला डॉक्टर के बयान पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सरकार ने 95 लाख किसानों को दिया बड़ा तोहफा, ब्याज पर सब्सिडी की छूट बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अब स्वैच्छिक बना दिया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के किसानों के लिए फसल बीमा का प्रीमियम 90% सरकार देगी। धन्यवाद। आगे अपडेट्स के लिए देखते रहें पॉलिटिकल ट्रेंड्स।